गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकाज फैमिली चैनल एंड आई मेघा, मिशिका की मम्मी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं थोड़ी देर पहले ही मेरा वीडियो पब्लिश हुआ है, थोड़ा वीडियो लेट हो गया है, 8:10 पे मेरा वीडियो गया है, जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा सा आंटी के यहाँ पे चली गई थी और उसी चक्कर में मेरी जो एडिटिंग थी वो थोड़ी सी रह गई थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल के ब्लॉग में, मतलब ये जो ब्लॉग जब जाएगा तब वो कल का ब्लॉग ही हो जाएगा, तो मैंने ब्लॉग में बताया हुआ है कि मैं थोड़ा सा आंटी के यहाँ पे जा रही हूँ। तो यस, मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, इसलिए मैं ना एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाई थी टाइम से। और अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले आई हूँ, तो मैंने मिशिका को अभी सुला दिया है एंड मुझे बनाना है अभी खाना। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं कुछ ऐसा बनाऊँ ताकि आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर कर सकूँ। लाइक सब्जियों में बहुत सारी सब्जी पड़ी थी, जैसे कि भिंडी, तुरई एंड बरबटी भी मैंने शेयर कर चुकी हूँ। बैंगन भी मैं आप लोगों के साथ खड़े बैंगन शेयर कर चुकी हूँ, बट मैं वो बिल्कुल डिफरेंट शेयर किए हैं। और आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँ। क्योंकि जब तक मेरी मेरी ब्लॉग में मेरी जो किचन है वो नहीं आ जाती है, मतलब उसका एक पार्ट नहीं आ जाता, मुझे मेरा ब्लॉग जो होता है वो काफ़ी सुना सुना लगता है। ब्लॉग होता है, वीलॉग होता है, जो भी होता है, प्लीज़ माइंड मत किया करिए, मेरी मदर टंग है, मतलब मैं थोड़ा सा शब्दों में हेर फेर कर देती हूँ, आई डोंट नो क्यों, और मैं कोशिश करती हूँ लेकिन कर देती हूँ, तो उसको माइंड मत किया करो। एक छोटे छोटे शब्दों को अगर आप लोग पकड़ के चलोगे, आप लोगों को समझ में आता है ना कि मैं बोलने की क्या कोशिश कर रही हूँ, वो बहुत बड़ी बात होती है। अब जैसे कि मैं सब्सक्राइब बोलूँ या सब्सक्राइब बोल दूँ, आपको समझ में आ रहा है कि मैं तो वही बोल रही हूँ, तो मीनिंग वही है और मतलब भी वही है, तो आप लोग प्लीज़ इतना माइंड मत कीजिएगा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ भरमा बैगन प्लस खीर, राइस खीर एंड प्लस रोटियाँ। तो आज मैं राइस नहीं बनाऊँगी क्योंकि चावल की खीर बना रही हूँ और मुझे थोड़ा सा चावल का कुछ होना चाहिए, मुझे चावल काफ़ी पसंद है। तो चलिए हम बना लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। एंड हाँ, ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर 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 ट्राई करनी है क्योंकि मस्ट है, और काफ़ी ईजी वे में बताऊँगी, ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन अगर ये बनाते हो ना तो समझ लीजिए कि आपकी वाहवाही होना ही होना है, क्योंकि जब भी मैं बनाती हूँ मेरी वाहवाही हो जाती है। ये रेसिपी वैसे मेरी ननंद ने मुझे सिखाई थी, मतलब इस तरीके से उन्होंने मुझे ये सब्जी बनाना सिखाया था, तो यस, उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ होती है। फिर उसके बाद मैं भी वैसे ही बनाने लगी तो मेरी भी होती है, और आप भी बनाने लगेंगे तो आपकी भी होगी। तो चलिए हम बना लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब आज मैं आपसे मिलती हूँ या नेक्स्ट मॉर्निंग मिलती हूँ वो तो अभी पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल तो हम को चल लेना चाहिए क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है नहीं तो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली हैं दो प्याज, थोड़ी सी बड़ी हैं। तो गाइस, जो मैंने प्याज ली थी वो मैंने इसको मतलब पीसने के लिए जार में डाल दिया है। दो प्याज हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा प्याज आपको लेना है एंड लहसुन और अदरक। लहसुन आप ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि जो बैगन होते हैं वो थोड़े से बादी होते हैं एंड कई लोगों को दांत में पेन होने लग जाता है, कई लोगों को पैरों में पेन हो जाता है, इसे डालने से ऑब्वियसली वो नहीं होगा। एंड अदरक को मैं काट के डाल दूंगी। तो गाइज, मैं किचन में आ चुकी हूँ और जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया है कि मैंने ये मसाला जो है ये निकाल लिया है, और मैं फ्रिज पे ट्राईपॉड लगाई हूँ तो थोड़ा सा मुझे ऊपर देखना होता है। तो मैंने मसाला निकाल लिया है एंड मसाला को हमें मुझे पीसना है, तो इसको थोड़ा सा सूखा ही पीसना है क्योंकि अगर ये ज़्यादा गीला हो गया तो बैगन में भरना आसान नहीं होगा। तो चलिए हम पीस लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज, आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने मसाला दिखाया था आपको उसे अच्छे से पीस लेना है। जैसे ये देखिए, मैं पीस रही हूँ यहाँ पे, और पीसने के बाद आपको बस क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है पीसते टाइम कि आप उसमें पानी थोड़ा कम डालें, क्योंकि पानी अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो मसाला जो है थोड़ा सा गीला हो जाएगा और बैगन में अच्छे से नहीं भर पाएगा। तो हमको क्योंकि भरवा वाले बैगन करने, तो मैं भर के बनाऊंगी आज मसाला, यही डिफरेंट है। उस दिन मैंने आप भर के नहीं बनाए थे, तो आ गए हैं बाबू मेरे हस्बैंड एंड बुलाए हैं मोमोज, तो मैं मोमोज निकाल रही हूँ एंड तरबूज लेके आए हैं और खरबूजा लेके आए हैं, दोनों लेके आए हैं, तो मैं उनको भी रख रही थी। क्योंकि कभी भी ऐसे ही होता है, जब भी मैं कोई काम कर रही होती हूँ ये ज़रूर डिस्टर्ब करते हैं। अभी एडिटिंग करते टाइम भी मुझे कम से कम 3 बार डिस्टर्ब कर दिए हैं, क्योंकि आज मैं लेट हो गई हूँ तो वो आए हैं और वो मुझे कुछ ना कुछ बोल के डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो यस, मैं मतलब वही बता रही थी आप लोगों को।
तो बस आपको कुछ नहीं करना है, मैंने यहाँ पे दोनों साइड कढ़ाई तो ऑलरेडी चढ़ा ही दी हूँ। कुछ इस तरीके से आपको बैगन को काट लेना है, क्योंकि बैगन आप इस तरीके से काटेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि ख़राब नहीं है, एंड सेकंड कि मसाला अच्छे से भरते बन जाएगा। तो यहाँ आ जाते हैं मेरे हस्बैंड और वो खाते हैं मोमोज और मुझे भी खिला देते हैं। हालाँकि मैं ऐसी हूँ कि मैं खाती नहीं हूँ, मतलब कि जब मैं कुछ बनाती हूँ तो कुछ नहीं खाती हूँ मुँह में, मुझे नहीं पसंद है ऐसा। लेकिन फिर मुझे लगता है कि यार अब खिला रहे हैं तो खा लेने दो, फिर मैंने पानी पी लिया है क्योंकि मुझे खाना बनाना है पूरा। तो यस, एंड ये कल का, मतलब ये जो भी क्लिप है ये कल की हैं, तो प्लीज़ कोई भी ये मत सोचना कि मैं सेम टॉप पहनी हूँ, क्योंकि ये कॉमन होता है, आता ही है। तो वो इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि जब आप एक दिन में दो वीडियो करती हो और फिर 1.5 भी करते हो तो भी वो सेम टॉप ही दिखेगा ना आपको। तो यस, मैंने मसाले में सारे सूखे मसाले जैसे धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर एंड थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, एंड कढ़ाई में मैंने थोड़ा तेल डाल दिया है। लेकिन उसके पहले मैं ये जो क्या बोलते हैं छोटी कढ़ाई, इस पे खीर बना रही हूँ। तो खीर बनाने के लिए मैंने थोड़े से चावल लिए हैं और उनको बिना धोले पहले कुछ इस तरीके से मैं सेंक रही हूँ। जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं इसको मतलब कि निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैं भर रही हूँ बैगन का मसाला। तो पहले मैं एक ही रेसिपी के बारे में बोलती हूँ, नहीं तो मेरे व्यूवर थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो यस, मैं यहाँ पे बैगन में मसाला भर रही हूँ कुछ इस तरीके से, और जितना भी बचता है ना मसाला वो भी काम आता है। लेकिन बैगन में भरने से होता क्या है कि जब आप खाते हो, मतलब जब ये बन जाता है खाते हो, तो आपको मसाले का टेस्ट आता है, आपको अलग से मसाला नहीं लेना होता है। तो मैंने मेथी, अजवाइन एंड हींग डाल दी है कढ़ाई में, और बस अब मैं इसमें डाल दूंगी ये जो मैंने बैगन भर रही हूँ ना ये, क्योंकि होगा क्या इससे कि आपका मसाला और बैगन दोनों साथ ही साथ पक जाएंगे अच्छे से। तो ये देख सकते हैं मैंने सारे जो बैगन हैं वो भर लिए हैं, एंड थोड़ा सा जो मसाला बचा है उसका क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। एंड यस, मेरे जो चावल हैं वो भी होते जा रहे हैं साथ ही साथ। तो ब्राउन राइस की खीर बहुत अच्छी बनती है, लेकिन मेरे यहाँ पे ब्राउन राइस नहीं थी, तो दिमाग से बढ़िया कुछ नहीं होता है। मैंने थोड़ा सा दिमाग चलाया कि अगर मुझे चाहिए कि मेरी खीर का कलर थोड़ा ब्राउन सा हो तो मैं ब्राउन राइस ही बना लेती हूँ। तो चावल को मैं सेंक रही हूँ कुछ इस तरीके से, और आप देख सकते हैं मैंने बैगन कढ़ाई में डाल दिए हैं, और बघार मैंने किससे लगाया वो भी मैंने आपको बता दिया है। और जो मसाला बचा था वो मसाला आपको बैगन के ऊपर कर देना है कुछ इस तरीके से जैसे मैंने किया है। और बस थोड़ा सा इसको रुकने दें एंड उसके पकने दें, जब पानी चिट चिट आ जाए इसका तो इसको मिक्स कर दें, मतलब चला दें अच्छे से, और फिर ढक्कन से ढक दें। और फिर आप दो दो तीन तीन मिनट में चाहें तो इसको देख सकते हैं, लेकिन मैं तो डायरेक्टली 5 मिनट बाद देखती हूँ तो हो जाते हैं, एंड 5 मिनट बाद देखती हूँ तो सब्जी बन जाती है। 10 मिनट में ये सब्जी बन जाती है, और बहुत ही ईजी वे में बताई है, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है। ट्राई तो यही करती हूँ कि मेरे व्यूवर को बहुत इजी वे में बहुत अच्छी रेसिपी बता दूँ। तो मैंने ये चावल एक कटोरी में निकाल लिए हैं, उनको उनमें डाल दिया है पानी। पानी से होगा क्या कि चावल थोड़ा फूल जाएगा, और जो खीर है ना, वो चावल छोटा छोटा होता है तो खीर में वो ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फुलाने के बाद ही मैं डालती हूँ, और मैंने यहाँ पे 1 लीटर से थोड़ा सा कम दूध लिया है, उसको भी मैंने छोटी कढ़ाई में डाल दिया है, आप देख सकते हो जिस तरीके से। और एक बॉईल तक मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी, इससे होगा क्या कि थोड़ा दूध थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, हालांकि ये बहुत गाढ़ा दूध है। और बस आप कुछ नहीं, अब इसको पकने देना है। तो मेरा जो किचन का काम होता है वो होता है कम से कम 15 से 20 मिनट का, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ, क्योंकि फटाफट फटाफट सारे काम करने होते हैं, लाइक टाइम नहीं लगाती हूँ मैं ज़्यादा किचन में। तो मैं यहाँ पे सलाद काट रही थी, क्या कर रही थी मुझे खुद, अच्छा टमाटर काट रही थी, ओके ओके टमाटर काट रही थी। बस अब आपको दूध को पकने देना है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बता रही थी कि दूध मेरा पक गया है, 2-3 खौल आ चुके हैं, चावल में से आपको पानी निकाल के चावल इसमें डाल देना है। इतना सिंपल भी मैं खीर बना रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही मन हो गया और दूध रखा हुआ था, मैंने सोचा कि रखा रखा क्या होगा वो, बस मतलब कभी कभी पीते हैं लेकिन कभी कभी नहीं पी पाते हैं तो वो बच जाता है, तो फिर मैं कभी कभी खीर बना लेती हूँ। एंड सब्जी को भी मैंने यहाँ पे साथ में चला लिया है, जो टमाटर डाल देते थे वो पक भी गए हैं। तो यस, मतलब टमाटर डाली नहीं थी, सॉरी टमाटर अब डाल रही हूँ, क्योंकि मैं ये एडिटिंग जो है ना
दूसरी बार कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि मैं वो एडिटिंग कर चुकी हूँ। तो टमाटर मैंने डाल दिए और इसको ढक दूँगी अच्छे से। एंड आटा गूंद रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे रोटी बनानी है और खीर भी चलाती जाऊँगी प्रॉपरली। और खीर की मैं रेसिपी एक दिन अलग से बताऊँगी, और वो मैं बिल्कुल डिफरेंट बनाती हूँ। आज जो बनाई है ये तो बिल्कुल सिंपल बनाई है, क्योंकि मेरा ऐसे ही मन कर गया खाने का तो बना ली। लेकिन जिस दिन मैं बनाऊँगी अच्छे तरीके से, उस दिन ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाबू को बिल्कुल पसंद नहीं है खीर, मतलब वो नहीं खाते हैं, तो फिर मैं उतने मन से बनाती भी नहीं हूँ। अब जब घर में एक से दूसरा कोई खाने वाला नहीं होना, तो फिर ऐसे ही फील होता है, मतलब मन नहीं लगता कुछ इस तरीके से। तो आटा मैंने यहाँ पे गूंद लिया है, एंड मेरी खीर जो है आप देख सकते हैं प्रॉपर अच्छे से हो रही है। तो मैं बार 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 चला रही हूँ, तो वही सारा काम कर रही थी मैं। एंड यस, यही 15-20 मिनट का काम होता है मेरा रेगुलर। और मैंने आज थोड़ी एडिटिंग कम की है, मतलब क्लिप्स काटी नहीं है, मतलब कट करने पड़ते हैं तो वो नहीं किया है मैंने, थोड़ा फास्ट कर दिया है, ताकि आप लोगों को प्रॉपरली सारा टाइम दिखे कि कितना टाइम लगता है खाना बनाने में। और जो मेरी किचन में इंटरेस्टेड हैं, वो मुझे इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लोगों को मेरा किचन एरिया बहुत अच्छा लगता है, एंड उसके लिए थैंक यू। तो बस खीर देखिए हो रही है, हो रही है, हो रही है। एंड हाँ, थोड़ा सा आंटी के यहाँ पे चली गई थी जैसा कि मैंने बताया है, तो सारी चीज़ों के लिए मैं लेट हो गई थी, वरना मेरा खाना जो है थोड़ा टाइमली बन जाता है। मतलब कि वीडियो मेरा गया, उसके तुरंत बाद मैं खाना बना लेती हूँ। और हाँ, मेरे कंगन भी मैंने नहीं पहने हुए थे पहले, क्योंकि मिशिका ने मुझे थोड़ा सा परेशान कर दिया था। फिर मैंने कंगन फिर से डाल लिए हैं, क्योंकि कोई टोके उसके पहले हम ही वो उस काम पे अमल कर लेंगे, है कि नहीं। तो बस वही है, आ सारा काम हो रहा है मेरा। और अब मुझे मेरी जो खीर है वो ऑलरेडी थोड़ी सी गाढ़ी हो रही है। और हाँ, मैं चटनी की तैयारी कर रही थी, मैं सोच रही मैं कर क्या रही हूँ। तो मैं बना रही थी आम की चटनी, तो आप लोग रेसिपी मांगते हो, तो आम की चटनी के लिए मैंने लिए हैं 2 आम छोटे छोटे, एंड एक प्याज। प्याज डालने से होगा क्या कि आम की जो खट्टापन होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और आपको लेना है पुदीन हरा, पुदीन हरा को आपको अच्छे से धो लेना है, मतलब कि मैंने धोया हुआ है। और आम को मैं काट रही थी, मेरी खीर बॉईल बॉईल होती जा रही है, अब दिख रही है। उस टाइम तो काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि सामने क्या चल रहा है वो नहीं दिखता है। तो बस मैं पूरे आम को ऐसे निकाल लूँगी, उसके बाद मैं डालूँगी इसमें पुदीना। पुदीना को मैं धोऊँगी पहले, क्योंकि ये जो धनिया पत्ती मैंने धो के रखी थी, पुदीना हरा नहीं धो के रखा था। तो उसको धो के अच्छे से, जितना पुदीना हरा आप लोगों को डालना है उतना डाल दीजिए, लेकिन उसके पहले सब्जी में धनिया पत्ती ज़रूर डालिए, क्योंकि सब्जी पक गई है पूरी। और यस, हमारी सब्जी जो है रेडी हो गई है। एंड बस अब आपको डालना है पुदीन हरा एंड चटनी में, और हरी धनिया मिर्ची, तो इतना सब कुछ मैं डालती हूँ। कभी कई बार मैं लाल मिर्ची डाल देती हूँ, कई बार हरी मिर्ची डाल देती हूँ, तो जब आपको जौन सी डालनी हो वो डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने हरी मिर्ची डाली हुई है एक, और डालूंगी मैं टमाटर, क्योंकि क्या बोल रही थी, हाँ आम बहुत ज़्यादा खट्टे थे, इसलिए मैंने टमाटर डाल दिया था कि चटनी थोड़ी ज़्यादा बन जाए और ज़्यादा खट्टी भी ना बने। तो यस, मेरी सब्जी बन गई। तो सब्जी को मैंने वहाँ से हटा दिया है, और वहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे डाली है अजवाइन, सॉरी मेथी, और क्या डाला था, मेथी और जीरा। इससे होगा क्या कि अगर ये आप चटनी में डालते हो तो काफ़ी टेस्टी बनती है चटनी, थोड़ी सी करवाहट आ जाती है चटनी में, एंड वो बहुत टेस्टी लगती है। मतलब कभी ट्राई करना आप लोग, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। और मैंने डाल दिया है दूध खीर में, क्योंकि खीर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी, और चावल जो थे वो पक चुके थे, लेकिन मुझे इतनी गाढ़ी खीर नहीं पसंद, क्योंकि वो वैसे भी जम जाती है अगर थोड़ी ठंडी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे मिक्सी लेके और सब चटनी को पीस देना है। एंड सॉरी गाइस, आज किचन एरिया आप लोगों को इतने अच्छे से नहीं दिखा, मैंने एडिटिंग में भी थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है आज, पता नहीं क्यों, शायद लेट हो गई हूँ इसलिए मेरा भी मन नहीं लग रहा है। तो यस, मेरी चटनी पिस गई है। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि अब मेरे पास अभी टाइम नहीं है, बस आपको थोड़ी सी मिशिका की मस्ती देखने को मिलेगी मेरी, इसी में मैं क्लिप।
तो गाइज मैंने तो क्या बोलते खीर में शक्कर डालना भूल ही गई थी। मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था, मेरी यूट्यूबर एक फ्रेंड है स्टाइल विथ मोना करके उनका चैनल है, तो उनका फ़ोन आया था तो मैं उनसे बात करने लग गई। तो मैंने पूरी किचन को क्लीन कर लिया, फिर मुझे बाद में आया कि शक्कर तो मैंने डाली ही नहीं खीर में, नहीं तो मेरे व्यूवर बोलेंगे क्या दी आप, फीकी खीर खिलाओगे क्या हमको। तो इसलिए मैंने इसमें शक्कर डाल दी है और अब बस आपको घुलने देना है इसको। और आपकी खीर वैसी ऑलमोस्ट बन गई है, थोड़ा दूर से दिख रही है इसलिए आप लोगों को लग रहा ब्राउन हो गई थी पूरी खीर, तभी मैंने इसको शक्कर डाल के और ढक दिया है हल्का सा। सो जाओ मिशी, आप सो क्यों नहीं रहे हो, सो जाओ, मम्मा को नाई नहीं करनी है, आप सो जाओ। अपने नाई नहीं कर ली, नहीं नहीं ऐसे नहाया था, चोटी बनाई थी अपने, कपड़े भी पहन लिए। अच्छा, और दादा से बात की थी फोन पे? ऐसे दिखाओ। अच्छा, किसको कैसे, क्या है, क्या है ये? सो जाओ प्लीज, हम गुस्सा हो रहे, रोई रोई कर रहे हैं। माँ मुझे सो जाओ, मैं निन्नी आई है। हाँ प्लीज सो जाओ, प्लीज इतना सो जाओ, प्लीज प्लीज सो जाओ यार। कोई फर्क नहीं पड़ता ना, चलो हम जा रहे हैं, बाय। और ये गुच्छा हो गया, गुच्छा हो गया, शेर शेर तो गुच्छा हो गया, छोड़ना नहीं। अरे मम्मा की नाक काला था, मुझे खाए नहीं, गंदी लड़की। प्यारी दो, प्यारी प्यारी दे दो। नहीं वो तो मैंने सुबह की थी ना ऑयलिंग, कल की थी ना ऑयलिंग, तो आप क्यों कर रही हो ऑयलिंग? चलो बाय बोल दो सबको, लव यू लव यू। हाँ एक पारी, एक एक कॉल मम्मा को, मम्मा को एक यहाँ पे, बाय। तो गाइस गुड आफ्टरनून, और आज मैं अपना कैमरा आफ्टरनून में पकड़ रही हूँ, आई मीन मेरा मोबाइल, क्योंकि आज मैं सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि मैंने कल, इसीलिए मेरा जो ब्लॉग था मैंने कल से स्टार्ट कर लिया था ये वाला, क्योंकि आज मेरा बहुत ज़्यादा काम, आज फिर मेरे मुंह से क्योंकि ज़्यादा निकल रहा है, कल ओके ज़्यादा निकल रहा था, तो ये होता रहता है, प्लीज़ इसको उतना भी माइंड मत करिएगा, मैं खुद माइंड कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से बोलती हूँ माइंड मत करिएगा। तो यस आज बहुत सारा काम था, मैंने इसीलिए कल से मेरा जो ब्लॉग था उसको स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि मतलब सारा काम तो वैसे होता ही रहता है, बट कभी कभी ना एक्स्ट्रा काम भी पड़ जाता है, तो यस आज मेरे पास वही, समझ लीजिए कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम था, इसलिए मैंने सोचा कि कल से ब्लॉग स्टार्ट कर लूँगी, ताकि मैं अगर दोपहर में भी मेरा कैमरा पकड़ूँ या मुझे शूट करने का टाइम ना मिले, तो मतलब मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम हो कि कुछ तो मैंने व्लॉग शूट किया हो एंड कुछ तो इंटरेस्टिंग सा रहा हो व्लॉग में, तो यस वो हुआ। एंड कल की जो बैगन की सब्ज़ी है एंड खीर, वो इतनी टेस्टी बनी थी कि बाबू ने भर भर के तारीफ़ें की, और उन्होंने बार बार बोला कि तुमने ठीक से इसका वीडियो लिया है, क्योंकि अगर तुम्हारे व्यूवर ने ये ट्राई किया तो वो तुम्हारे अभी फ़ैन हो ना हो, लेकिन वो आपके फ़ैन होने वाले हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैंने अच्छे से शूट किया, एंड मेन होता है एडिटिंग, है ना, शूट मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे एडिटिंग करनी होती है जिससे मैं वॉइस ओवर करती हूँ, तो अगर मैं आप लोगों को सावधानी से सारी चीज़ें बताती हूँ तो वो यस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, तो यस उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड आप लोग सोच रहे होंगे मैंने आज इतना सारा मेकअप क्यों किया है, तो कभी कभी जो मेकअप लवर होते हैं ना, मतलब मुझे लाइक मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं घर में नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर वही वाली बात हो जाती ना कि चाहे आप कितना भी ब्रांडेड मेकअप लगा लो, चाहे आप कितना भी ब्रांडेड ना लगाओ, लेकिन आपको मेकअप से थोड़ा बहुत तो
प्रॉब्लम होती है, मुझे भी होती है। मुझे यहाँ पे ये देखिए कुछ दिन से मैं थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती हूँ ना, तो इसकी वजह से मुझे कुछ दाने निकल रहे हैं। एक मिनट, बाबू का कॉल आ रहा है। तो यस, उनका कॉल आ गया था कि अभी तक तुम फ्री हुई हो या अभी भी उसी कामों में बिजी हो जो मैं छोड़ के गया था। तो मैंने कहा नहीं, मैं फ्री हो गई हूँ, नहा लिया है, वीडियो शूट कर रही हूँ। तो बोलते फिर ठीक है, क्योंकि आज सच में बहुत ज़्यादा उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने भी मेरा बहुत ज़्यादा हाथ बंटवाया। मैं सोच रही थी वीडियो करूँ, बट फिर उस पर हो जाता है ना, लोग बोलने लगते देखो अपने पति से काम करवा रही है, इसलिए मैंने नहीं वीडियो लिया। एंड यस, तो मैं क्या बोल रही थी आप लोगों से, मेकअप। यस, मेकअप जो लवर होते हैं उनको मेकअप करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, मुझे भी बहुत शौक है। तो यस, मैंने मेकअप कर लिया एंड मुझे कल के लिए एक वीडियो थोड़ा सा क्लिप जो है ना, लाइक मैं आप बहुत सारी यूट्यूबर हैं जिनको पता होता है कि हम जब ब्लॉग बनाते हैं तो हमें छोटी छोटी क्लिप लेने पड़ते हैं जिनको हम एडिट करके एक बड़ा ब्लॉग कर लेते हैं, है ना। तो मुझे अभी वो क्लिक लेनी है ताकि मैं कल के ब्लॉग में उसे ऐड कर पाऊँ, क्योंकि कल मुझे एक अभी मिशिका सो रही है, तो वो जो क्लिप है वो मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपको जो बोलना है उसमें कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि आपको डिटेल समझानी है उस बारे में। तो वो तो आपको कल ही पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आज मैं बता के उस चीज़ को उसका मजाक किरकिरा नहीं करूँगी। तो यस, तो मैं यही सोच रही हूँ कि आज मैं उसको शूट कर लेती हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आज मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करने वाली हूँ, क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। एंड अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं कल। हाँ।